और हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं हूं कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हो कि सावन मास के लास्ट सोमवारी है, इसके लेकर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी मिथिला के बाबा धाम कुशेश्वर स्थान में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो है हम लोग है मिथिला के बाबा धाम कुशेश्वर स्थान में मंदिर प्रांगण में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है जल जो है जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे जल लोटकी में लेते हैं, उसके बाद जो है बाबा को जो पूजा करने के लिए जाते हैं। इस बार जो काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है जो है यहाँ के न्याय समिति और पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहाँ के जो श्रद्धालु सब जो है उस सबसे बातचीत करेंगे। जैसा कि अगले जो सेकेंड सोमवारी में देखे होंगे कि उस बार जो है बाबा को सजावट कुछ अलग, यानी कि तमिलनाडु से जो है उनके जैसे सजाए गए थे, इस बार जो कुछ अलग दिखाए गए हैं। अभी जो है कुछ श्रद्धालु सब जो उन सबसे हम बातचीत करेंगे, और जैसा कि आप देख पाए जितने भी श्रद्धालु जो उनका पूजा हो गया है वो इस मंदिर से उस मंदिर में जैसे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर काफी चुस्त तंदुरुस्त है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर जगह पर तैनात में लगे हुए हैं पुलिस प्रशासन। कोई भी श्रद्धालु हो उनके लिए कोई परेशानी हो, जो भी कुछ नहीं मैं देखने को मिल रहा, जो भी परेशानी उसके लिए जो भी है वो देख रेख करते हैं सभी प्रशासन पुलिस। कुछ श्रद्धालु सब जो जब नए नए लाइन में लगे उन सबसे हम बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ इस बार जो मन्नत रखे हैं, उसके बाद जो वीडियो को शेयर कर देंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं। वहीं से कब आए? दुए बजे चले हैं, अभी पूजा करके निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? हाँ। ऐसा पूजा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत शांति मन से किया, अच्छा से किया, बाबा के बहुत मन से पूजा किया। हाँ। बाबा से क्या मांगे हो? बाबा से मन में शांति, मन में अच्छा भाव विचार, वही मांगे। हाँ। जो शादी हुआ हो गया? जो शादी हुआ नहीं मांगे? नहीं शादी हुआ नहीं हुआ। बाबा जब देख सब करिए ठीक है। और भी श्रद्धालु सब जब उन सबसे बात कहाँ से आए हैं? हम मोहिम से आए। मोहिम से आए हैं। पूजा हो गया? हो गया। चलिए हो गया, पूजा कर ली। कैसा पूजा हुआ? बहुत अच्छा। कोई चीज की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के प्रशासन न्याय समिति की व्यवस्था बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। चलिए जो भी लाइन में लगे हुए, आप कहाँ से आए? सुपौल से। सुपौल से? सुपौल बिरौल जी। मतलब इस बार जो व्यवस्था है लास्ट सोमवार है, इस बार व्यवस्था पुलिस प्रशासन न्याय समिति की ओर से कैसा दिखने को मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? दोनों आदमी सुपौल से। आप कहाँ से? बर्रा से आए। चलिए आप कहाँ से आए हैं? जमुई। जमुई से? मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगता है? हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ। हाँ। तो उनसे पता चला। हाँ। बहुत फेमस जगह है। हाँ। और यहाँ मनोकामना स्थल है। हाँ। यहाँ जो भी पूजा करते हैं, जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना। कितने बार आ चुके हैं कुशेश्वर स्थान? पहली बार आए। पहली बार। यहाँ के पुलिस प्रशासन और न्याय समिति की कैसे व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई चीज की यानी परेशानी नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ जाइएगा जमुई, फिर कैसा लगेगा यहाँ पूजा करके? और लोगों को बताएंगे कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक बार बाबा के धाम में अवश्य पधारे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ इनसे बात की, जमुई से आए थे बाबा पूजा करने। चलिए एक पंडा जी मिल गए हैं सामने में, कब से आप लोग हैं यहाँ पे? यहाँ से जब से बाबा है तब से हम लोग है। मतलब आज 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 तो 4 बजे सुबह से है। 4 बजे सुबह से? अच्छा, आप लोग सुबह से 4 बजे से है या उससे पहले से भी होंगे? कैसा भीड़ था इस बार? भीड़ इस बार बहुत काफी लग रहा है मेरे अंदाज से, लेकिन सही है। श्रद्धालु सब कितने श्रद्धालु आ चुके हैं? अभी तक 10,000 से ऊपर श्रद्धालु आ चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? हम सर मधुबनी से, मगर यहाँ मधुबनी जिला से आए हैं। नहीं नहीं, रहते यहीं पे है। हाँ। मधुबनी से यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। चलिए इस बार की व्यवस्था न्याय समिति की ओर से प्रशासन की ओर से कैसा लग रहा है? व्यवस्था तो सर बहुत अच्छा है। देखिए जी, अपने झगड़ा झंझट भी नहीं हो रहा है, पंक्ति में कतार में कंवरिया जल चढ़ाने जा रहे हैं अंदर। बाबा का कृपा है सब पर, सबका ठीक हो रहा है, जो भी मनोकामना हो रहा है सब पूरा हो रहा है। आप कहाँ से आए? सर हम लदनिया मधुबनी से हैं। और यहाँ मधुबनी से जी, यहाँ हम शिक्षक हैं 1.5 साल से। हाँ। और बाबा की असीम कृपा है, जो यहाँ से यहाँ आते हैं खाली हाथ कोई नहीं जाता है, और हम लोग यहाँ बाबा के शरण में है। बाबा सारे मनोकामना सभी दर्शकों, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ। कुशेश्वर स्थान दर्शनीय स्थल है। अच्छा ये बताइए, अपने लोग अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग का दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, अपने आप अपने डिस्ट्रिक्ट वासी को क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम अपने डिस्ट्रिक्ट वासी मधुबनी वाले को कहेंगे कि आकर बाबा से दर्शन करें कम से कम यहाँ आकर के सभी परिवार। कहाँ से आए? हम सोहरबा घाट से। अपने आसपास इस बार व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था ठीक है। पुलिस प्रशासन न्याय समिति की ओर से नहीं, सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ के जो भी श्रद्धालु थे उन सबसे हम बातचीत किए और मंदिर प्रशासन भी दिखाए। तो आप लोग इस बार की लास्ट सोमवारी को लेकर क्या कुछ कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।